नमस्कार, मैं हिमा उपासनी द सोप्रानो स्कूल ऑफ म्यूजिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि राग भूप के हमने बंदिश का अभ्यास किया है, बंदिश हमने सीख ली है, नोटेशन के साथ सीखा है। अब हम वही बंदिश तबले के साथ, तीन ताल में निबद्ध है उसमें, उसके साथ हमको कैसे गाना है ये मैं आपको एक बार गा के बताती हूँ। तो आप भी इसके साथ कोशिश करिए गाने की। चलिए। इसके साथ हम इसी एपिसोड में ये बंदिश आपको लिख के भी हम इसमें आपको दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको लिख के ले सकते हैं या इसे देखकर, बार बार देख के आप इसके साथ गा भी सकते हैं। तो चलिए, अब ये हो गया, राग भूप यहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो अगर आपको राग भूप पहचानना है तो एक मैं आपको गाना थोड़ा सा गुनगुना के दिखाती हूँ। तो सुनिए वो कौन सा गाना है। ra 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 dil ho ho kare ghabra ghan dham dham kare gar jaye ek bond kabhi paane ki ra 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 dil ho सारे का बदा सारा बगरे गधसा। तो देखिए, राग भूप में बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। अगर आप राग भूप का अभ्यास करते हैं तो इसमें जितने भी राग हैं उतने सारे आपको पहचान में आएंगे, आपको उससे खुशी मिलेगी। तो अभी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए राग के साथ, नए आनंद के साथ। नमस्ते।